ओके बेटा, आज हमने देखना है कि एक्सप्रेशन की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। मैंने आपको ये प्रीवियस एक्सप्रेशन के लेक्चर्स में बताया था कि एक्सप्रेशन जो होती है जिसका फॉर्मूला डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी होता है, मतलब एक्सप्रेशन एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल होती है। इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं। क्यों दो बेसिक टाइप्स हैं? क्योंकि डेल्टा वी के दो दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। डेल्टा वी पॉजिटिव हो तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होती है, डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव हो तो एक्सप्रेशन नेगेटिव होती है। टी आपको पता है टी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, जो डिफरेंस आता है वो डेल्टा वी की वैल्यू से आता है। अब ये वाली बात जहाँ तक और यहाँ तक, इतनी बात जो है ये आपकी बुक का हिस्सा है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन नेगेटिव एक्सप्रेशन। मजीद इसकी डिटेल आपकी बुक में नहीं है, लेकिन बेटा ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको ये लाजमी पता होना चाहिए। इसलिए बेटा हम इसको मजीद थोड़ा सा देखेंगे कि इसके फर्दर क्या टाइप्स होती हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैं आपको बाद में जाके इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो बेटा इधर देखो, इसकी जो फर्दर टाइप्स वो होती हैं वो दो मजीद टाइप्स बनती हैं। चाहे एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो या एक्सप्रेशन नेगेटिव हो, वो एक्सप्रेशन की फर्दर दो टाइप्स बन सकती हैं। पॉजिटिव एक्सप्रेशन इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सप्रेशन भी हो सकती है और डिक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सप्रेशन भी हो सकती है। सिमिलरली नेगेटिव एक्सप्रेशन जो होती है वो इंक्रीजिंग नेगेटिव भी हो सकती है, डिक्रीजिंग नेगेटिव भी हो सकती है। एक्चुअल में जो बच्चों में कंफ्यूजन ये आती है वो ये समझते हैं कि शायद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन एक ही चीज़ है। हालांकि बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कुछ और है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कुछ और है। आपने जो टर्म पढ़ी हुई है डिसेलरेशन या रिटार्डेशन, बेसिकली बेटा ये जो नाम है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन के नाम है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के नाम नहीं है। डिसेलरेशन या रिटार्डेशन बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं। किसको कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या की टाइप्स क्या है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, डिक्रीजिंग पॉजिटिव भी हो सकती है। इसका क्या मतलब है? इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सबसे बेटा पहले बेटा डेटा सेट के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अज्यूम करो कि आपके पास एक बॉडी मूव कर रही है और ये उसका डेटा सेट है। मतलब जब बॉडी जीरो थी तो बॉडी की वेलोसिटी जीरो थी। जब एक सेकंड गुजरा है बॉडी की वेलोसिटी हो चुकी है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकंड गुजरे हैं तो बॉडी की वेलोसिटी हो चुकी है 5 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी हो चुकी है 9 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी है 15 और 5 सेकंड बॉडी की वेलोसिटी 22 मीटर्स पर सेकेंड। अब गौर से देखो बेटा, इंटरवल ऑफ टाइम कितना है? 1 सेकंड का। यहाँ से यहाँ तक भी इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकंड का है, ये भी 1 सेकंड, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। टाइम हर केस में क्या है? 1 सेकंड। लेकिन हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे जो चेंज आ रहा है वो चेंज किस तरह का आ रहा है? अब गौर से देखो बेटा, चेंज किस तरह का आ रहा है? अब पहले सेकंड में जो चेंज आया फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 0, वो आया 2 मीटर पर सेकेंड का। अब दोबारा देखो, अगले सेकंड में जो चेंज आया फाइनल माइनस इनिशियल 5 माइनस 2 3 का चेंज आया है। अगले एक सेकंड में जो चेंज आया वो कितना है? 9 माइनस 5 क्या होता है बेटा? 4 का चेंज आया है। अगले में 15 माइनस 9 कितने का चेंज आया बेटा? 6 का चेंज आया है। अगले में देखो बेटा कितने का चेंज आया? 22 माइनस 15, ये 7 का चेंज आया है, ठीक है ना? समझ आ गई आपको? इसका मतलब है कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डेल्टा वी आ रहा है वो क्या हो रहा है? पॉजिटिव भी है और पहले से ज्यादा भी हो रहा है। 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अगर बेटा मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, आपको मैंने बेटा ग्राफ बताए हुए हैं, टाइम आएगा इस एक्सिस पे और वेलोसिटी आएगी इस एक्सिस पे, ठीक है। अगर बेटा मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, 2 3 4 5, और यहाँ पे बेटा मैं इसे ड्रॉ ड्रॉ करता हूँ, ये हो जाएगा 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, ठीक है। अब गौर से देखो बेटा, 0 पर 0 है, ठीक है, 1 पर 2 है, मतलब इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आएगा, 2 पर कितना बेटा 5 है, तो इससे ज़रा नीचे आएगा, अगला डॉट बेटा मेरा यहाँ पर लगेगा, और उसके बाद 3 पर बेटा 9 है, 3 पर बेटा ये 9, अगला डॉट यहाँ पर आएगा, 4 पर 15 है, मतलब 4 सेकंड पे मेरे पास अगला डॉट जो आएगा वो यहाँ पे करके आएगा। इसका मतलब अब जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बन रहा है, इसका मतलब बस इंक्रीजिंग कर्व बन रही है, ठीक है, इस तरह की कर्व बन रही है, ठीक है। ये है मेरे पास ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, ठीक है, कुछ इस तरह की शेप है इसकी। अब बेटा नेक्स्ट, डिक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? अब अज्यूम करो बेटा, ये गौर से समझना है आपने, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या होती है।
अब अगेन मेरे पास बेटा मैंने डेटा सेट के अंदर इंटरवल जो है एक एक सेकंड का ले लिया, हर टाइम इंटरवल जो है वो मैंने लिया 1 सेकंड का, ताकि बेटा आपको समझने में आसानी हो। अब गौर से देखो, एज्यूम करो शुरू में बॉडी की वेलोसिटी जीरो थी जब टाइम जीरो था, जब 1 सेकंड गुजरे तो बॉडी की वेलोसिटी एकदम से होगी 7 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड के अंदर अंदर। अब जब दूसरा सेकंड गुजरा तो बॉडी की अब वेलोसिटी हो चुकी है 13 मीटर पर सेकंड, तीसरा सेकंड गुजरा तो बॉडी की वेलोसिटी हो चुकी है 18 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी 20 है, और पाँचवें सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी है 21 मीटर पर सेकंड। अब इस 1 सेकंड के बाद बेटा जो चेंज आया है, फाइनल माइनस इनिशियल, 7 माइनस 0, 7 का चेंज आया है, ठीक है। डेल्टा वी जो अक्कर हुए पहले इंटरवल में, चेंज ऑफ वेलोसिटी कितने हैं 7 का है। अब यहाँ देखो 13 माइनस 7 करो आंसर क्या आता है, 6 आता है। 18 माइनस 13 करो आंसर क्या आता है बेटा, 5 आता है। अगले 1 सेकंड में बेटा चेंज क्या आया है, 20 माइनस 13, 2 का चेंज आया है। अगले सेकंड में बेटा चेंज कितना आया, 21 माइनस 20, 1 का चेंज आया। अगेन गौर से देखो बेटा, डेल्टा वी पॉजिटिव तो है लेकिन पहले से वैल्यू अब कम हो रही है, पहले 7 थी, फिर 6 हुई, फिर 5 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई। इसका अगर बेटा अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, ठीक है। अगेन यहाँ पे बेटा मैं देख लेता हूँ, ये मेरे पास 1 2 3 4 5, ये मैं कहता हूँ 3 6 9 12 15, ठीक है, 18 20 आगे ग्राफ चल रहा है, ठीक है। जीरो पर बेटा ये जीरो ही है, ये जीरो है, तो ये यही डेट पहला डॉट यहाँ पे आ गया। 1 पर 7 है, 6 के ऊपर 7 में कर लेता हूँ यहाँ पे करके आएगा, वो यहाँ डॉट लग गया। 2 पर बेटा 13 है, 2 ये है तो 12 से ऊपर 13 यहाँ पे करके आएगा, ठीक है। तो सेकंड डॉट बेटा तकरीबन यहाँ करके लगेगा। उसके बाद देखो बेटा 3 पर 18 है, 3 पर 15 से ऊपर 18 तकरीबन डॉट जो अगला लगेगा वो कहाँ पर आके लगेगा, वो यहाँ आके लगेगा। अब बेटा 4 पर क्या है 20 है, तो इसके ऊपर डॉट को यहाँ पे तकरीबन 4 का डॉट तकरीबन बेटा यहाँ आके लगेगा। इसका मतलब है जो मेरे पास ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। ग्राफ बेटा मेरे पास कुछ इस तरह का बन रहा है, ये बेटा मतलब आपके पास जो ग्राफ है डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है बेटा, ये है डिक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। समझ आ गई होगी आपको यहाँ तक। अच्छा बेटा अब आ जाते हैं हम नेगेटिव एक्सेलरेशन पे। इंक्रीज इसकी फर्दर दो टाइप्स देखते हैं, इंक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है और डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन किस तरह से है। अगेन बेटा मैंने यहाँ पे डाटा सेट बना लिया, इसमें हर इंटरवल जो लिया बेटा वो मैंने 1 1 सेकंड का इंटरवल लिया, ठीक है। अब पहले देखो, सबसे पहले जब बॉडी की वेलोसिटी टाइम जीरो था तो बॉडी की वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, जब टाइम 1 हुए तो बॉडी की वेलोसिटी होगी 24 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 21 है, 3 सेकंड के बाद 16 है, 4 के बाद 9 है, और आफ्टर 5 सेकंड बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी, मतलब बॉडी अब रुक चुकी है। पहले इंटरवल में, इंटरवल सबका बेटा याद रखो इक्वल है, पहले इंटरवल में कितने बॉडी का वेलोसिटी में चेंज था। अब याद रखो बेटा फाइनल माइनस इनिशियल होता है 24 माइनस 25 माइनस 1, इस इंटरवल में 21 माइनस 24 माइनस 3, इसमें बेटा देखो 16 माइनस 3 क्या है, -5, इसमें देखो बेटा ये कितना चेंज है, 9 माइनस 16 माइनस 7, इसमें कितना चेंज है बेटा, -9 का चेंज है, ठीक है। अगेन अब गौर से देखो, जो डेल्टा वी है उसकी वैल्यू क्या है, पहले -1 है, फिर -3, फिर -5, फिर -7, फिर -9। अब बेटा आप ये आपने यहाँ पे याद रखो, एक जो हम सेंस लेते हैं ना यहाँ पे बेटा, याद रखो कि जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए बेटा आपने इस चीज़ को कन्फ्यूज़ नहीं होना कि शायद -1 बड़ा होता है, -9 छोटा होता है, बेटा यहाँ पर ये केस नहीं है। यहाँ पर बेटा नेगेटिव साइन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, दैट्स वाई यहाँ पर सबसे पहले बेटा जो -1 है उसके बाद -3 इससे बड़ी है, -5 इससे बड़ी है, -7 इससे बड़ी है, -9 इससे बड़ी है। नेगेटिव साइन बेटा सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। और बेटा इसलिए अब गौर से देखो, इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, 1 2 3 4 5, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, ठीक है, ओके। ये देखो बेटा 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 और 25 हो गया। अब देखो बेटा 0 था तो पहला डॉट यहाँ पे आ गया, 1 था तो अब डॉट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 24 पे, बिल्कुल नीचे यहाँ पे आएगा अगला डॉट, ठीक है ना। अगला जब 2 था तो आंसर था 21,
टू के लिए आंसर का 20 से ऊपर 21, अगला डॉट्स का मतलब है यहाँ करके आएगा। थ्री है तो 16, थ्री है तो 15 से ऊपर 16, अगला डॉट बेटा यहाँ करके आएगा। फोर है तो 9, 10 से नीचे यहाँ पे अगला डॉट आएगा। फाइव है तो बेटा 0, अगला डॉट यहाँ पे आएगा। बेटा मैंने ग्राफ थोड़ा टेढ़ा बनाया, बेसिकली इसका बेटा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है ना। ये बेटा ग्राफ आ गया बेटा, ये कुछ इस तरह का जो ग्राफ है ये है बेटा आपका इंक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो क्या होती है, अगेन बेटा एक एक सेकंड का मैंने इंटरवल ले लिया, ठीक है। जीरो पर 25 थी, वन पे 17, टू पे 11, थ्री पे 6, फोर सेकंड पे वेलोसिटी 2 है, फाइव सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है। इधर देखो बेटा, अब पहले सेकंड में इंटरवल में कितना डिफरेंस है, ये बेटा कितना फर्क है, 8 का फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इंटरवल में कितना फर्क है, इधर गौर से देखो, ये 6 का डिफरेंस है। अब देखिए 17 में से माइनस 8 है, माइनस 6 है, यहाँ पे कितना फर्क है बेटा, माइनस 5 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितना, माइनस 4 का डिफरेंस है, इनमें माइनस 2 का डिफरेंस है। अब देखो बेटा अगेन क्या है, अब पहले से वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो किस तरह का बनेगा, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो बेटा इसका ग्राफ किस तरह बनेगा बेटा, अगर आप इसको खुद से ड्रॉ करोगे तो बेटा ये कुछ इस शेप का ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। तो अब बेटा आपको ये पता चल गया कि बेसिकली जो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होती है, इसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ भी इनकी हो सकती है, इनकी नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन एक चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। ये बेटा बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बेटा आप नोट्स बनाएं, इसको प्रॉपर तरीके से इसको समझें, इसको बार बार इस वीडियोज़ को देखें बेटा। अगर कोई आपको इशू होता है आप कॉमेंट्स में बेटा मुझसे पूछ सकते हैं।